कटरा, ये शहर है माता रानी का, जहाँ की वादियों में गूंजती है उनका नाम, जहाँ फूल भी सजते हैं उनकी नाम से, जहाँ की ढोल नगारे बड़ी ही शान से बजती है उन्हीं के नाम पे, जहाँ पशु भी रहते हैं उनकी ही शरणों में, जहाँ बूढ़े और बच्चे भी चल के ही जाते हैं उनसे मिलने। जो बच्चा अभी बोलना ही सीख रहा होता है वो भी बोलते हैं जय माता दी। तो आज है दुर्गाष्टमी, माता रानी की भक्ति में शुरू करते हैं आज की यात्रा। स्वागत है माता के दरबार पे। आज है दुर्गाष्टमी और आप सभी को मेरी एंड मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। यहाँ पे आप दो रास्तों से ऊपर भवन तक जा सकते हैं। एक है पुरानी वाली रास्ता और एक है ताराकोट मार्ग जो नई बनी है। पुरानी वाली रास्ते से टाइम कम लगता है और ताराकोट मार्ग जो है वो थोड़ी लंबी जाती है। माता रानी ने अपने बच्चों के लिए ऑप्शन तो बहुत सारे रखी है। अब ये पूरी इच्छा आपकी है कि आप 12 किलोमीटर का रास्ता तय करके किस तरह उनसे मिलने जाएंगे। आप ऐसे भी जा सकते हैं या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गुलशन कुमार जी का बनाया हुआ लंगर है। हर दिन हजारों यात्री आते हैं और यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आप अगर कभी भी माता के दरबार आओगे तो खाली पेट बिल्कुल ही नहीं जा सकते। ये है बाणगंगा। मान्यता ये है, माता रानी जब त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई कर रही थी तब उनके सेवक हनुमान जी को पैदल चलते चलते प्यास लगी और उन्होंने माता रानी से कहा, माँ गंगा जी का जल पीना है और गंगा जी के जल से ही मेरी तृष्णा बुझेगी। त्रिकुट पर्वत पर गंगा जी थे नहीं तो माता रानी ने अपने धनु से बाण चलाया और वो बाण जहाँ जाकर लगी वहीं से गंगा जी का पवित्र धारा बहने लगी। इसीलिए बाण गंगा बोला जाता है और माता रानी ने अपने केश भी यहाँ पर धोए थे, इसीलिए बाल गंगा भी बोला जाता है। रास्ते पर चलते चलते एक माता का मंदिर मिलेगा जो है इच्छा माता मंदिर। तो आप कभी भी यहाँ पर आओ तो अपनी मन की जो चाह है, जो इच्छा है वो ज़रूर यहाँ पर रखकर जाना। माता सबकी सुनती है, आपकी भी सुनेगी। आप दर्शन कीजिए चरण पादुका, जहाँ पे आप माता रानी के चरणों के निशान दर्शन कर पाएंगे। रास्ता कठिन है
पर माता रानी से मिलने की खुशी जो होती है ना सबके दिल में, उसी खुशी में सारे थकान भुलाकर सब नाचते गाते झूमते इसी तरह जाते हैं माता के भवन तक। एक सच बात बोलूं, वैसे तो मुझे डांस करना बिल्कुल ही नहीं आता है, फिर भी हम भी शामिल हो गए इसी खुशी में और इस तरह कुछ अनजान से दोस्त भी बन गए जिनके साथ खुशियों का मात्रा और भी दुगना हो गया। लीजिए, चलते चलते जब थक जाते हैं तो ये जरूर लेना। एक सरप्राइज है आप सभी के लिए, गेस व्हाट, पूरे कटरा शहर का व्यू आपके लिए। रास्ते पे चलते चलते आपको ये विज्ञापन मिलेगी, तो बी केयरफुल। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को मेरी तहे दिल से शुक्रिया पत्थर और पहाड़ों के बीच इतना अच्छा रास्ता बनाने के लिए। अगेन माय हार्ट इज थैंक्स टू जेएनके गवर्नमेंट। आलू का है, गरम मिलेगा क्या? ये दे दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा करके दीजिए। रास्ते पर चलते चलते भूख लग गया था तो सोचा कि एक चाय ब्रेक ले लिया जाए। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो चाय है दीदी के लिए और मेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पकौड़े। क्रिस्पी है, टेस्ट अच्छा है। इसे पगोड़ा कहते हैं। चलिए आप कुछ भी विश कीजिए और मैं यहाँ आपके लिए पगोड़ा सजाती हूँ। कहते हैं ये एक जरिया है माता रानी से कुछ भी मांगने का। यहाँ का ना औरा ही कुछ अलग है, इसीलिए तो पत्थरों में भी फूल नजर आएंगे आपको। वो कहते हैं ना, सभी कृपा है उनकी। जय माता दी। ये है अत कुमारी। टोटल 12 किलोमीटर्स की चढ़ाई में ये आता है 6 किलोमीटर्स पे, मतलब हाफ तक, इसलिए इसे अत कुमारी कहते हैं। मान्यता है भैरव बाबा से छुपकर माता रानी ने पूरे 9 महीने इस गुफा के अंदर तप किया था। अंदर गुफा होने के कारण एक टाइम पे एक जन ही दर्शन कर पाएंगे, इसलिए सारे भक्त जो है इस तरह वेट करते हैं अपने बारी का। अब ये भक्ति ही तो है, वरना इतनी ठंड में और वो भी एक चद्दर में ऐसे फर्श पे सो जाना आसान नहीं होता।
अब इस जगह के दिन के नज़ारे दिखाती हूँ आपको। टोटल 6 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है और भी 6 किलोमीटर बाकी है। भूख बहुत जोर की लगी है क्योंकि पैदल आ रहे हैं तो भूख भी लगता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं सागर रत्ना में, जो साउथ इंडियन खाने के लिए फेमस है। तो यहाँ आकर गर्मा गर्म डोसा हम ट्राई कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी। ये जो रेस्टोरेंट है ये साउथ इंडियन खाने के लिए फेमस है, तो आप कभी भी आओ ट्राई ज़रूर करना। और वैसे भी इनके बहुत सारे ब्रांचेस भी है, गूगल सर्च कर लो। और दीदी ट्राई कर रही है राजमा चावल, टेस्ट कैसा है? अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ना घोड़े पालकी सबके साथ आ सकते हो, पर हमने ये चूज़ किया क्योंकि हमें लगता है कि माता रानी अपने हाथ पकड़कर हमें साथ ले जा रही है। जय माता दी। अब फाइनली वो नज़ारा आने वाला था जिसको देखने के लिए आंखें मानो तरस गई थी। जिस नज़ारे को देखने के बाद सारे थकान को राहत मिलती है। सिर्फ मैं ही नहीं, इस पल को आप भी जिएंगे मेरी आंखों से। तो लीजिए एक तोहफा मेरी तरफ से आप सभी को, सी द फर्स्ट व्यू ऑफ माँ वैष्णो देवी टेम्पल। इधर दूसरी तरफ से ले।
ले लिया, मैंने फोटो ले लिया, हो गया ना। जी हाँ, मैं कोलकाता से हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि नवरात्रि के टाइम पे जितने भी फूल डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है वो सारे फूल एंड डेकोरेशन करने वाले सारे कोलकाता से आते हैं। चलिए कुछ फूलों के डेकोरेशन दिखाती हूँ आपको। अगर आप माता रानी से मिलने आते हो तो एक काम आपको करना होगा। उनसे मिलने के पहले आपको अपना मोबाइल एंड कैमरा सब जमा करना होगा, क्योंकि माता रानी भी नहीं चाहती कि उनके और आपके मुलाकात के बीच कोई भी डिस्टर्बेंस आए। तो बस हमने भी वही चीज़ की। तो चलिए दर्शन के बाद दूसरे दिन की शुरुआत में मिलती हूँ आपसे। देखो वो माँ ही तो है जिनके पास आपकी हर गलतियों का माफीनामा रहता है, जहाँ आपको डांट और प्यार एक साथ मिलती है। इसलिए तो माता रानी ने भैरव बाबा को वध करने के बाद भैरव बाबा ने माता रानी से जब अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी तो माता रानी ने माफ़ी के रूप में एक वरदान दिया कि माता रानी के दर्शन के बाद बिना भैरव बाबा के दर्शन के ये पूरी यात्रा कंप्लीट नहीं होगी। तो हम भी चल दिए भैरव बाबा दर्शन के लिए।
वैसे हमने लिफ्ट की सुविधा ली है, आप चाहो तो चढ़ाई करके भी जा सकते हो। सामने जो एलईडी है इसमें आपको डिजिटली लाइव आरती या पूजा देखने को मिलेगी। सेम एलईडी 12 किलोमीटर नीचे एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे भी है, आप चाहो तो बिना चढ़ाई किए नीचे से भी दर्शन कर सकते हो। और इस एलईडी के पीछे है भैरव जी का मंदिर। लीजिए भैरव जी के मंदिर से माता रानी के भवन का दर्शन कीजिए। और इधर आपके लिए पूरे जम्मू शहर का व्यू। और हाँ, जैसे कि मैंने अपना प्रॉमिस रखा है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं खुद ही यात्रा करूँगी और आप सभी को मेरे साथ यात्रा करवाऊँगी, मैं तो अपना प्रॉमिस रख दिया है। और अभी आप सबकी बारी है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक कमेंट भी करें, ठीक है? अब देखो कुछ पल होते हैं जिन्हें कैमरा का लेंस कभी जस्टिफाई कर नहीं सकता, उस पल को बस अपने आँखों से जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार कटरा ज़रूर आए और माता रानी से मिल के जाए। मैं आपकी ट्रैवल फ्रीक पूजा, मिलती हूँ दूसरे किसी सफ़र में, तब तक खुश रहिए। जय माता दी।